गुलाब नहीं पर गुलाब से कम भी नहीं। ये गुलाब की तरह खूबसूरत से दिखने वाले फ्लावर प्लांट जिनका नाम है रैननकुलस। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, मेरे चैनल अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो गुलाब जैसे दिखने वाले खूबसूरत फूल रैननकुलस या पर्शियन बटरकर फ्लावर के ऊपर है। इस फ्लावर प्लांट को सीड्स और कॉर्म्स के थ्रू ग्रो किया जाता है। सीड से ग्रो करने पर इसके प्लांट की ग्रोथ स्लो होती है और फूल भी छोटे होते हैं। अगर हम इस प्लांट को कॉर्म्स के थ्रू यानी इसकी जड़ या रूट से ग्रो करते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। पौधा बहुत घना होता है और उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है और फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, सबसे अच्छा यह है कि आप इस प्लांट को नर्सरी से खरीदें। नवंबर में नर्सरी में ये प्लांट आपको बड़ी ही आसानी से 20 से 30 रुपए की रेंज में उपलब्ध हो जाएंगे। ये प्लांट कई कलर और वैरायटी में आपको नर्सरी में उपलब्ध हो जाता है। इस प्लांट को अपनी मिट्टी में हल्की नमी पसंद है मगर ओवर वाटरिंग नहीं, इसलिए आप इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। दोस्तों, यहाँ मिट्टी वेल ड्रेन बनाने से मतलब यह है कि हमारे गमले में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए या पानी रुकना नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप 50% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर्स सैंड का प्रयोग करें। 2 चम्मच नीम खली और 5 ग्राम किसी अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करें। दोस्तों, इस प्लांट को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप 6 से 8 इंच के पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। इस पौधे को रिपोर्ट करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके क्राउन पार्ट को आप मिट्टी के अंदर ना दबाएं, वरना आपका प्लांट खराब हो जाएगा। दोस्तों, क्राउन पार्ट इसका मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहाँ से इस पौधे की सारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसको इसका क्राउन पार्ट कहते हैं। उसको आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, जैसे हम जरबेरा के प्लांट में करते हैं कि उसका क्राउन पार्ट हम मिट्टी के अंदर नहीं दबाते हैं। इस प्लांट पर कभी कभी माहू और स्पाइडर माइट्स का अटैक भी देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए आप एमीडा क्लोरोपीड और ओमाइट नामक कीटनाशक का प्रयोग करें। ओवर वाटरिंग करने से इस पौधे में रूट रॉट की समस्या भी देखने को मिलती है, इसलिए आप इस पौधे में समय समय पर किसी अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इस फ्लावर प्लांट के फूल और पत्तियां जहरीले होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करते हैं, इसलिए अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे और पालतू जानवर हों तो उनको इनकी पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, इसके फ्लावर की लाइफ 10 दिन की होती है। जब इसके फ्लावर
स्पेंट होने लगे तो उनकी डेड हेडिंग या उन फ्लावर को रिमूव जरूर कर दें। सनलाइट की बात की जाए तो इस फ्लावर प्लांट को फुल सनलाइट पसंद है, इसलिए आप इसको अपने गार्डन या बगीचे में ऐसी जगह प्लेस करें जहां कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। आप हर 15 दिन के अंतराल पर DAP फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट का टी लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 दिन के अंतराल पर प्रयोग करें। वाटरिंग की बात करें तो इस पौधे को अपनी मिट्टी में हल्की नमी पसंद है, मगर ओवर वाटरिंग नहीं। ओवर वाटरिंग करने से इस पौधे में रूट रॉट की समस्या उत्पन्न होती है और पौधा मर जाता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।